नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में भेड़िया एवं तिरंगा का 2-इन-1 विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जंगलिस्तान। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, इस जंगल की धरती के कण कण को देवता की तरह पूजता है भेड़िया। इस धरती पर तुम जैसे पापियों के पांव पड़े, जंगल वासियों के लहू से लाल हो ये पवित्र धरती। ये ना भेड़िया को मंजूर होगा और ना इस जंगल के पेड़ पौधों को, खच, ना यहाँ के पत्थरों को और ना इस जंगल में रहने वाले निवासियों को। अपने इन पंजों का कहर सब पर बरसाएगा भेड़िया। इस जंगल से किसी को भी जीवित वापस नहीं लौटने दूंगा मैं। बॉस, हमारे साथियों को मारने के बाद अब वो हमारी तरफ आ रहा है। हमारी तरफ नहीं, वो अपनी मौत की तरफ आ रहा है। गोलियों की वो बरसात भेड़िया को खून से भिंगोती चली गई। कटे वृक्ष की तरह लहरा कर गिरा वो भेड़िया। अब तक स्तब्ध खड़े फूजो और जेन मानो नींद से जागे। दोनों भेड़िया की तरफ लपके, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाए। गोलियों की बौछारों ने उनके कदमों को भी रोक लिया। टर, आ, उफ। इसी के साथ मानो जंगल का चप्पा चप्पा सामने खड़े शिकारी के ठहाकों से गूंज उठा। हम शहरियों के आगे तुम सब जंगल वाले सिर्फ कीड़े हो। तुम जंगली शारीरिक शक्ति में हमसे कितने भी शक्तिशाली सही, लेकिन फिर भी तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे ये विशाल शरीर हमारे हथियारों से निकली इन छोटी छोटी गोलियों से टकराकर रेत के ढेर की तरह बिखर जाएंगी। और इस विशाल शरीर को नियंत्रित करने वाले तुम्हारे दिमाग में भी जंगली घास उगी हुई है। इसलिए तो हर शहरी जंगल और जंगल वासियों को समाप्त करके जंगलों पर भी अपना साम्राज्य स्थापित करके रहेगा। अब इस धरती पर जंगल नहीं रहेंगे, रहेंगे सिर्फ शहरी। अरे, अचानक एक झटके से उसका ठहाका उसके गले में ही घुट कर रह गया। आंखें कटोरियों में से उबलने को उतारू होती चली गई, क्योंकि उन आंखों के सामने उठ जो खड़ी हुई थी वो मौत। रेत के ढेर में घुसी गोलियां अपना अस्तित्व खो देती है और रेत हरे भरे जीवन को अपना अंग बना लेता है। कितने ही बार रेत को मुट्ठी में भरकर नापाक आंखों में झोंका जा सकता है। सूरज की तपिश से भभकता गर्म रेत अपने सीने पर किसी के कदम नहीं पड़ने देता। हमारे दिमागों में लहलाती जंगली घास हमारा गौरव है, जंगलों से हमारे प्यार की पहचान है। लेकिन तुम्हारे इस शैतानी दिमाग में क्या भरा है, ये मैं अब देखूंगा। मैंने सही अंदाजा लगाया था, इसमें कीचड़ ही भरी है। आज एक नया भेड़िया नजर आ रहा था। वो विकराल आंखों से टपकती दरिंदगी, होठों से टपकती हिंसा की लार, इस भयानक रूप को देखकर दुश्मन तो दुश्मन, उसके अपने फूजो एम जेन भी थर्रा उठे थे। तेरे निर्दोष लहू की कसम उठाता हूँ मैं, कि अब शहर में लहू की इतनी वर्षा करूँगा मैं कि तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब शहर की हर मुंडेर पर नाचेंगे मोर, क्योंकि शहर अब बनेगा जंगलिस्तान। तेरे इसी सींग की खातिर शहरी तेरे मस्तक चीर डालते हैं, अब इसी सींग से मैं उनके मस्तक को चीर डालूंगा। अब शहर की हर गली में दौड़ लगाएंगे गैंडे, क्योंकि शहर अब बनेगा जंगलिस्तान। तेरी पवित्रता का अपमान बहुत कर चुके हैं ये शहरी, बहुत रौन चुके हैं वे तुझे। तेरी गोद में पली संतानों का लहू तुझ पर बहुत बहाया गया है। अब शहर की उन कठोर सड़कों पर बहेगा शहरियों का लहू और उस पर मैं बिछाऊंगा तुझे, और तब शहर की हर सड़क पर लहलहाएगा जंगल। तुम सबकी कुर्बानी में दहका दिया है मेरी ज्वालामुखी, जिसने शहरों को जलाकर बनाने जा रहा हूं मैं जंगलिस्तान। बॉस,
भेड़िया नामक उस खूंखार जंगली ने आपके भाई के साथ साथ हमारे सभी साथियों को मार डाला है। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं हेलीकॉप्टर लेकर आ रहा हूँ। अक, तू कहीं नहीं जाएगा, मुझे तेरी आवश्यकता है, क्योंकि तू ही मुझे अपने उस सरदार के पास पहुंचाएगा जिसके इशारे पर जंगल में ये भीषण विनाश मचा है। ले चलो मुझे उसके पास, उसके सीने को अपने पंजों से फाड़ डालने के लिए मचल रहे हैं मेरे हाथ। मुझे छोड़ दो, तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। सीने में शहर को तबाह करने की आग लिए भेड़िया एक ही छलांग में हेलीकॉप्टर के अंदर जा पहुंचा। चलो ठहरो भेड़िया, तुम शहर जाकर अपना उद्देश्य कभी पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि घातक हथियारों और षड्यंत्रकारों से भरा पड़ा है शहर। जेन ठीक कह रही है भेड़िया, ठंडे दिमाग से काम लो भेड़िया, शहरी बहुत शक्तिशाली हैं, तुम उनसे नहीं लड़ पाओगे। शहर उजाड़ कर जंगलिस्तान बनाने का विचार त्याग दो। क्रोध की आग में दहकते भेड़िया पर जेन के शब्दों ने घी का काम किया। भेड़िया के साथ रहकर भी शहर के प्रति तुम्हारा मोह भंग नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा ये मोह भेड़िया के पैरों की जंजीर नहीं बन सकता। तुम शहर को भेड़िया के हाथों तबाह होने से नहीं बचा सकती। धड़ाक, आह भेड़िया, तुम आंखों में दहकता ज्वालामुखी लेकर फूजों की तरफ पलटा भेड़िया। नहीं फूजो बाबा, नहीं, तुम्हें मेरी सौगंध, तुम मुझे रोकने के लिए मत कहना। नहीं भेड़िया, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और हमारे साथ चलेंगे हमारे जंगल के साथी कंटीली, अज्जा, गुर्र, हन्नू, गोभी और बोभी। भेड़िया के सीने में धधकती जंगलिस्तान बनाने की आग को शांत करने का प्रयास करना व्यर्थ था, इसलिए भेड़िया की सहायता के लिए मेरा उसके साथ जाना ही बेहतर है। शहर की तरफ एक मुसीबत बढ़ रही थी और शहर वालों को इसकी खबर भी ना थी, क्योंकि वे तो व्यस्त थे अपने अपने कामों में। इन बनावटी खालों से हमारा काम नहीं चलने का, हम असली शेर की खाल मांगता है, इसके लिए हम मुँह मांगी कीमत देगा। 1 लाख रुपए दे सकते हो? श्योर, अगर खाल हमारे पसंद का हुआ तो हम 1 लाख देगा, खुशी से देगा। ये लो 50,000 रुपये पेशगी। 50,000? ठहरो, मैं दुकान बंद कर लूँ फिर चलता हूँ तुम्हारे साथ, आज तगड़ी कमाई होगी। दुकानदार ने तुरंत ही दुकान बंद की और ग्राहक को लेकर जा पहुँचा लकड़ी के उस बड़े गोदाम में। देख लो, ये शेर की एकदम असली खाल है, अब इसे लेकर चलते बनो यहाँ से। गुड, चला जाऊँगा, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं पुलिस स्टेशन कभी अकेला नहीं जाता। अरे ये तो अंग्रेज नहीं, कौन है ये? तिरंगा, तुम तक पहुँचने के लिए मुझे ये विदेशी का लबास पहनना पड़ा। यहाँ तक विदेशी कपड़े पहनकर तू आया ज़रूर है तिरंगा, लेकिन अब यहाँ से कफन ओढ़ कर वापस जाएगा। तो जुल्म के खौफ से डराता है किसे? हम दिल बनाकर सीने में रखते हैं वतन को, मौत कहाँ पास फटकती है हमारे, हम ओढ़े रहते हैं सदा तिरंगे के कफन को। धड़ धड़, पीरा से भैंसे की तरह डकार उठा वो। इसी के साथ उसके अन्य साथी भी वहाँ आ पहुँचे। खत्म कर दो इसे, अब यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। तेजी से तिरंगा की तरफ झपटे बदमाश, लेकिन देश की जड़ों को खोखला कर देने वाली वो दीमक हवा में उड़ गई। धड़ाक, क्योंकि दीमक मारक दवा एल्ट्रेक्स की तरह बरस रहा था तिरंगा, क्योंकि अपराध की दीमक तिरंगा को सहन नहीं है। धड़ धड़, तड़ाक, दीमक की तरह ही पटाख से धरती पर गिरे हुए, पर इतनी जल्दी हार मान जाने वालों में से वे भी नहीं थे। बड़ी खूंखारता से हम पर झपट रहा है ये, अपने इसकी खूंखारता की काट बनेगा ये खूंखार शेर। शेर, गुर्र, पिंजरा खोलते ही शेर भीष्ण रूप से दहाड़ा और साथ ही छलांग के साथ तिरंगा के सामने जा खड़ा हुआ। ओह,
शेर को मेरे सामने छोड़कर मेरा काम तमाम करने की ये बदमाशों की कोशिश अच्छी है। हमें काटने के लिए कुत्ते की तरह बहुत कुल मुला रहे थे तेरे दांत, अब इस विकराल जबड़े से बचकर दिखा। पूरी तरह चौंकाना जरूर था तिरंगा, लेकिन उसके सामने था वो शेर जिसे कई दिनों से सिर्फ बंदी बनाकर ही नहीं भूखा भी रखा गया था। धड़ा, इसलिए उसके हमले में भरा था पूरा जोश और जंगल में शिकार करने का पूरा अनुभव, जहां जंगल में शेर ने अपनी ताकत से सैकड़ों शिकार किए थे, वहीं तिरंगा ने ऐसे मौके पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया था। तिरंगा ने फुर्ती से दरवाजा को बंद कर दिया और इससे पहले कि घात लगाकर शेर दोबारा झपटता, उसने दरवाजा को लॉक भी कर दिया। इधर लहराया वो पीला तंदुरुस्त जिस्म और इधर लहराया केसरी सफ़ेद एवं हरा लचीला बदन। तिरंगा के कारनामे को अबाक खड़े देखते बदमाशों के चेहरे का रंग उड़ता चला गया। शेर का एक शिकार उसके पंजों से निकल चुका था, लेकिन शिकार की वहाँ कमी क्या थी? इसके विकराल जबड़ों की मजबूती एवं धार अब तुम परखोगे। चारों के शरीर पर मौत का पसीना बह गया और शेर के जबड़े से बह गई भूख की लार। उसकी लाल खूंखार आंखों की भयानकता ने उन्हें बेहोश कर दिया। खौफनाक अंदाज में शेर ने उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि उस तक पहुंच चुकी थी वो डॉट जिसने उसे बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। शेर को बेहोश कर देने वाली ये डॉट किसने फेंकी? मैंने, और मैं हूँ WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड फेडरेशन का चीफ नाग सिंह। मेरी संस्था के एक सदस्य ने मुझे फ़ोन पर यहाँ की स्थिति की सूचना दे दी थी, तभी मैं यहाँ पूरी तैयारी के साथ पहुँचा हूँ। आपने मेरी मदद की, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब इस शेर का क्या होगा? इसकी तुम चिंता मत करो तिरंगा, पुलिस की मदद से मैं इसे चिड़ियाघर पहुंचा दूंगा। पुलिस यहाँ पहुंचती ही होगी। धन्यवाद मिस्टर सिंह, आप पुलिस की मदद से इसे चिड़ियाघर पहुंचाइए। मैं इन बदमाशों को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचता हूँ, जहाँ इनसे पूछताछ करके मैं इनके बॉस तक पहुँचूँगा। जंगलों के दुश्मनों का एक दुश्मन अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा था, वहीं दूसरा दुश्मन अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। इस शहर पर जंगलवासियों का साम्राज्य होगा। इस शहर के चप्पे चप्पे पर जंगलवासी घूमते नजर आएंगे, लेकिन ये होगा बाद में। पहले मुझे तुम्हारे सरदार तक पहुंचकर उसके लहू से अपने बदले की आग बुझानी है। जल्दी उस तक पहुंचाओ मुझे, मैं ले चल रहा हूँ। तभी पायलट के हेडफोन पर गूंजी वो आवाज़, बेवकूफ़, इसे अड्डे पर लेकर मत आना। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। फिर हेडफोन से गूंजती आवाज़ धीरे धीरे पायलट को कुछ बताने लगी। कुछ ही देर बाद पायलट भेड़िया को उसकी मंजिल की पर कुछ ही देर बाद पायलट भेड़िया को उसकी मंजिल तक लेकर जा पहुंचा। वो वहाँ उस इमारत में रहता है, मैं हेलीकॉप्टर को वहाँ उतारता हूँ। पायलट तेजी से हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने लगा, लेकिन सवारी को नीचे उतरने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। आओ साथियों, हेलीकॉप्टर से कूदते ही भेड़िया ने अपने जंगल के साथियों के साथ अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन क्या जानता था वो कि उसके साथ धोखा हो चुका था। जंगल के कानून का रखवाला जा पहुंचा था शहर के कानून के रखवालों के सामने, जहां खड़े पुलिस वाले स्तब्ध रह गए थे। ए, रुको, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? जवाब में मानो बिजली सी कौन थी। भेड़िया कहते हैं मुझे, और मैं तुम्हारे मुखिया से मिलकर उसके सीने को लहू से रंगना चाहता हूँ। बताओ वो मुझे कहाँ मिलेगा? भेड़िया की गुर्राहट से पुलिस वालों की दिखती बंद गई, उसके मुंह बोल ना फूटे। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।